हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माय सेल्फ अभिषेक मौर्या। और आज की वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए मैं बहुत ही खास चीज़ लेकर आया हूँ। कहने का मतलब है कि जो आप लोगों का जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो सेकंड सेमेस्टर है भाई, सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, आप सभी जानते हैं। और आप लोग काफ़ी परेशान भी हैं कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस मुझको नहीं मिल रही हैं, तो आप टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी, हो गई हैं भाई, हो गई हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ से आप लोगों को मैं आज की जो ये वीडियो है इसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों की जो सब्जेक्ट्स हैं और उनका सिलेबस क्या है, ये बताने वाला हूं कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों की एक सब्जेक्ट है जो मैंने स्टार्ट की है ना, मौलिक कृषि प्रसार शिक्षा। तो जैसा कि जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं, तो उसका मैं सिलेबस यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। देखिएगा कितने चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। तो जैसा कि पहला चैप्टर है शिक्षा एवं प्रसार शिक्षा, कार्यक्रम नियोजन, भारत में पूर्व प्रसार कार्यक्रम और भारत में कृषि प्रौद्योगिकी एवं आयोजना। ओके, और कृषि प्रसार में नया परिवर्तन, साइबर विस्तार या ई प्रसार। ओके, इसके बाद सेवन्थ जो चैप्टर है आप लोगों का, तो प्रसार एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में, फिर इसके बाद सामुदायिक विकास के बारे में। ओके, तो ये आप लोगों के यहाँ से 1 से 8 तक के आप लोगों के चैप्टर आप लोगों ने देखा। इतने के बाद में अभी और हैं, और आप लोगों के हैं अभी आगे और, देखिए भाई क्योंकि आप कहाँ परेशान हैं भाई, आगे और देखना है। देखिएगा ग्रामीण नेतृत्व के बारे में, फिर प्रसार मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के बारे में भाई पढ़ना है, समझ रहे ना। और इसके बाद प्रसार शिक्षण विधियाँ पढ़ना है, फिर प्रसार शिक्षा में श्रव्य दृश्य सहायता साधन पढ़ना है, और इसके बाद में संचार का अर्थ परिभाषा मॉडल एवं अवरोध, ये आप लोगों के चैप्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है तो कृषि पत्रकारिता के बारे में पढ़ना है, फिर अभिग्रहण एवं विसरण प्रक्रिया है ना, फिर इसके बाद इंटरनेट का इतिहास पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इतना देख लिए हैं कि मुझको 17 चैप्टर पढ़ना है, मेरी जो ये सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट मिली है, तो इसमें आप लोगों को 17 चैप्टर पढ़ने हैं, और ये आप लोगों को प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे है ना। और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बाकी एकदम अच्छे से कराई जाएगी, बाकियों की तरह से है ना, मतलब कि जो भी पीछे करवाया गया है उसी हिसाब से आगे भी आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। ओके, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।